क्लास इंटर पोएम फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएट सन हेनरी मॉर्टन। बच्चों मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूँ इस पोएम को, आज आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझना है। सेंट्रल आइडिया आपके कोर्स में कुल टोटल 10 पोएम्स हैं, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में 3 पोएमें दी होंगी। उन 3 पोएमों में से एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो 6 मार्क्स में होगा। तो प्लीज रिपीट करेंगे साथ में ही। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि डिस्क्राइब्स, वर्णन करते हैं द क्वालिटीज मीन एट्रीब्यूटीज का, गुणों का, ऑफ अ हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति के। इस कविता में सन हेनरी मॉर्टन एक खुश व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हैं। अ हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति इज होता है ऑनेस्ट, ईमानदार एंड और ट्रुथफुल, सत्यवादी। एक खुश व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी होता है। ही वह इज होता है नॉट, नहीं अंडर, अधीन, वह अधीन नहीं होता है अनादर्स, दूसरों की, दूसरे की बिल, इच्छा का, वह दूसरे की इच्छा का अधीन नहीं होता है। ही इज नॉट, वह नहीं होता है अ स्लेव मीन गुलाम, अ स्लेव मीन दास, वह गुलाम नहीं होता है टू हिज पेशेंस, हिज अपनी पेशेंस मीन तीव्र इच्छाओं का, पेशेंस मीन हेट, पेशेंस मीन लव, है ना, वह अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। ही वह इज होता है नेवर, कभी नहीं, फियर, वह भी ऑफ डेथ, मृत्यु से, और या पब्लिक क्रिटिसिज्म, आलोचनाओं से, वह मृत्यु या पब्लिक आलोचनाओं से वह भी नहीं होता है। ही वह इज फ्री, फ्री होता है, आजाद होता है फ्रॉम से रूमर्स, अफवाहों से, वह अफवाहों से आजाद होता है। ही वह डिपेंड्स, निर्भर रहता है, वह निर्भर रहता है अपॉन द वॉइस, आवाज पर, ऑफ हिज कंसाइंस, कंसाइंस की, कंसाइंस मीन अंतःकरण, अंतरात्मा, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज पर निर्भर रहता है। ही नॉट जीलियस, वह ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का नहीं होता है या वह ईर्ष्या नहीं करता है ऑफ एनी वंस, किसी की प्रोग्रेस मीन उन्नति से, वह किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है। ही वह प्रेज, प्रेज प्रार्थना करता है टू गॉड, ईश्वर की, डेली, प्रतिदिन, फार के लिए, ही उसकी ब्लेसिंग्स, कृपाएं पाने के लिए, वह ईश्वर की रोजाना प्रार्थना करता है ताकि वह उसकी कृपा पा सके। एंड और, नॉट, नहीं, फार के लिए, वर्ल्डली, सांसारिक थिंग्स, वस्तुओं को पाने के लिए, वह ईश्वर की प्रार्थना सांसारिक वस्तुओं पाने के लिए नहीं करता है। ही वह पासिस, व्यक्त करता है, ही पासिस, वह गुजारता है हिज टाइम, अपने समय को, इन द कंपनी, संगति में, ऑफ अ गुड बुक, अच्छी किताबों की, वह अच्छी किताबों की संगति में अपने समय को गुजारता है, व्यतीत करता है, और या अ गुड फ्रेंड, अच्छे मित्रों के साथ। ही वह डज नॉट, नहीं, केयर, चिंता करता है, वह चिंता नहीं करता है फॉर वाइज, उन्नति की, और या फॉर अवनति की, इन लाइफ, जीवन में, वह जीवन में उन्नति या अवनति की चिंता नहीं करता है। ही हैज सेल्फ कंट्रोल, वह सेल्फ कंट्रोल होता है, वह आत्म संतुष्टि व्यक्ति होता है, आत्म सम्मानी व्यक्ति होता है,
एंड और इज होता है सेटिस्फाइड संतुष्ट विद व्हाट ही हैज, जो उसके पास होता है वह उसी में खुश उसी में संतुष्ट होता है, ही है जो वह रखता है उसी में संतुष्ट होता है। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि संतोष, कंटेंटमेंट संतुष्टि एंड और सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान आर हैं द ग्रेटेस्ट सबसे महान वर्च्यूज गुण ऑफ अ हैप्पी मैन, एक खुश व्यक्ति के संतुष्टि और आत्मसम्मान ही एक खुश व्यक्ति के सबसे बड़े गुण होते हैं। तो बच्चों आपको ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है, याद करना है, या और फिर अपनी कॉपी की फोटो कॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है। बस आज इतना ही, कल आपकी सेकंड फोन कराएंगे।